सो गाइस मगरमच्छ दिखाता हूँ आप लोगों को। यही देखो क्या भाई यहाँ से दिखेगा देखने में। अरे देखो कितना मस्त लग रहा है ना इसका कलर। तुम्हारी फैमिली को वो दिखाएंगे जो हम लोग की फैमिली है। कैसे मार सके भी ना मारे हम। हेलो ये सारे शेर चीता बैठे जाओ तुम्हारे में एक पॉइंट आ गया तुम्हारा। हाँ, जंगल का पॉइंट है तुम्हारा पॉइंट है। आप क्या बोले टाइगर स्विमिंग करता है जी बहुत अच्छी स्विमिंग आती है उसको। और हमारे साथ गाइस क्या हुआ पता आप लोगों को? मोए 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 आज हमारे साथ यही सीन हो। हाँ जी गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू दी शो। हाँ तो कैब भाई की फैमिली आज हम लोग शूट करेंगे। कैब भाई कैब भाई को टेंशन है कहे की भी नो टेंशन इंसान मतलब भाई। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग ना भाई आ गए वापस घर पे। और भाई आज का जो सीन हो रहा है नीचे हमारा घर है घर तो दिखाओ आप। तो गाइस हमारा ये घर है जो आप लोग देख रहे होंगे ना। तो आज का ना क्या भाई तुम एक बात बताओ कैसे हुआ आज क्या हुआ? कैमरा बंद करो अंदर। बताना क्या क्या मिलेगा देखने के लिए? बाकी कबूतर तो मिलेगा नहीं है। पानी भी नहीं मिलेगा? नहीं कबूतर मिलेगा ना बाज मिलेगा सारा कुछ मिलेगा। पानी भाई के साथ ये गाइड रहेंगे आपके साथ। आप इधर आ जाएं आप रहेंगे यानी पूरी वाइल्ड लाइफ का पानी से लेकर पेड़ों से लेकर ग्रास लैंड वुड लैंड सभी है पूरे एरिया का आपको ये हमारे जो भी गाइड लोग रहेंगे तो अच्छा नज़ारा आपको दिखाएंगे। जिसमें मैमल्स की 4 से 5 स्पीसीज एंटी लगती है। 2 एंटीलोप है। पीलीभीत की बैक साइड भी नदी है और अगेन साइड अच्छा अंदर नदी भी है इसके अंदर। हाँ नदी आपको अभी दिखेगी नहीं आपको रिजर्वायर डैम वगैरह भी है कैनाल। हाँ डैम आपको दिखेगा जो टूरिज्म के मेन पॉइंट के तट पे उसके टूरिज्म से 2.2 हेक्टेयर तो आप जब चलेंगे तो मैं वहाँ तक चूका तक तो मेरा। यहाँ कौन कौन आया हुआ है कोई बड़ा वो आया हुआ है? हमारे सबसे बड़े अभी यही है यहाँ पे समय चूका प्रभारी। उसके बाद हम लोग चलेंगे नहीं यहाँ कोई बड़ा लीडर आया हुआ है कंट्री का? मैं लीडर तो योगी जी आए सब सबसे बड़ा कोई लीडर नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम भी आ चुके हैं। और भाई दूर से तो बोलो तुम वीडियो में आके पास बोलते नहीं यार दूर से आवाज नहीं रिकॉर्ड होती। उस टाइम जिस टाइम तुम बोल रहे हो तुमने माइक लगा रखा है लगाया नहीं ना अभी हम लगाऊंगा ना भाई अंदर। तुम्हारी फैमिली को वो दिखाएंगे जो जी हम लोग की फैमिली है। हाँ चीता वो दिखाएंगे चीजें। चलो भाई अब क्या भाई ना भाई उनके पास ना टचिंग वचिंग करके आओगे पूरी भैया। देखो अच्छा भाई पीछे बैठो। हाँ बिलाल भाई तुम शादी को भी ले लो मैं भाई तुम क्यों नहीं ये ना वीडियो शूट करेंगे लड़के अब्दुल तुम इधर आ चलो हमें इधर फिर मुकीम भाई। अब हम लोग जा रहे हैं आगे के लिए देखते हैं कबूतर मिलता है जंगल मिलता है या नहरें मिलती है। नहरें नहरें सब मिलेगी लेकिन करीम करीम टाइगर से पहले लूंगा। और करीम भी मिलती है भाई वहाँ करीम का पाउडर नहीं होता। एक हमारा टाइगर पीछे बैठा टाइगर से लड़ने के लिए। ये टाइगर सर की है अभी मुलाकात कर दुआ में भी है उसमें भी याद रखना। तो गाइस फिलहाल अभी यहाँ पे आने से पहले फॉर्मेलिटी पूरी होती है तो बीएमए जो डॉक्यूमेंट हमारे से वेरीफाई कर रहे हैं। भाई कोई धोखे से मार सके ऐसे तो चीता भी ना मारे हमें। तेरा तो गेम बचाना पड़े बड़े में चीता ही जाने ले नहीं जाने चीता ही जाने कह रहे मेरा गूगल मेरा फोन पे नंबर है वो क्या भाई तुम्हें पता कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत? मुझे नहीं पता बताएंगे ये जो दो आगे बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ कितने बहुत बढ़िया भाई। अब हम अंदर जा रहे हैं अंदर का व्यू देखते अंदर क्या होगा तुम लोग भी बने रहना क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पॉइंट है वो क्या है चूका भी चूका भाई तुम लोग भी हमारे ब्लॉग में दिख रहे हो हमारी वीडियो में आ रहे हो तुम भी अभी तक तो बंदर ही बंदर दिख रहे हैं भाई। हम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई तो भाई भाई आगे मिलेंगे भैया बिल्कुल मिलेंगे भाई दोस्त हमारे फैन लोग भाई लोग हैं भाई लोग भाई लोग सब भाई लोग ये सारे शेर चीता बैठे पीछे ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी बाकी भाई लोग आगे जा रहे हैं। भाई तुम क्या कर रहे हो यार
के नहीं जाओ, तुम्हारे पे पॉइंट आ गया तुम्हारा। हाँ, जंगल का पॉइंट है, तुम्हारा पॉइंट है भाई, दोनों काम और यार सच में ना सकते क्या भैया। फिलहाल भाई छोटी मोटी मेरी कुत्ते ना ना ये छोटी है, कहाँ कुत्ते कितनी गहरी है, लाल हो गया कितनी गहरी है, 10 फीट गहरी होती है डीपली। जंगल के मेन गेट पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ से एंट्री होने वाली है। यहाँ से हम लोग भाई ये देखो अपने भाई सारे के सारे, मतलब एक कबूतर, ये शेर, ये चीता और पीछे एक और भी तो है, बैलगाड़ी नहीं ये सही है। लोग बैकिंग सिखाते हैं वहाँ पे, थोड़े सीनियर लोग होते हैं, 2000 बैच के IFS लोग थे हम लोग, गए थे देहरादून FRI में। उसको हमें ये सिखाते हैं कि हमें उस टाइगर को किस तरह से, थोड़ा तेज बोलो, टाइगर को किस तरह से मैंने और थोड़ा तेज, थोड़ा और स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि उसका हमें देखना पड़ता है, उसका मूवमेंट क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, इस समय क्या चाह रहा है, उसको ये देखना पड़ता है हमें। और फिर हम उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे, सावधानी बना के रखेंगे थोड़ी, तब वो हमारे, क्योंकि जंगल का जो, अगर वो बाय चांस हमला कर रहे हो तो उससे कैसे आप वो करोगे। देखिए जंगल का जो टाइगर होता है वो कभी हमला करता नहीं है, वाई दबे, क्योंकि इतने सालों से पूरे देश में टाइगर सब चल रहे हैं, कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि, नहीं आपको उसका डिफेंड तो करना है ना, वो हम उसका करने का मौका ही नहीं देंगे ना उसको। अच्छा। जो हमें बताया जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से टाइगर क्रॉस हो रहा है सामने से, तो हम उसको देख लेंगे और अपनी गाड़ी हम पीछे ले जाएंगे बिना किसी शोर शराबे के, बस हम दूर रहेंगे। वो खुद हमें देख के वो खुद एकदम डर जाता है कि ये क्या चीज है, वो खुद देख के साइड हो जाता है। और हमला वही टाइगर करता है जो मैनिटर हो जाता है। मैनिटर कब होता है, वो जंगल के अंदर जब उसको खाना नहीं मिलता है, भूख लगने लगती है, तब वो एक गाय होती है ब्लू बुल, नील गाय बुल, तो उसके पीछे वो भागता है। यहाँ जंगल के आसपास बहुत से गांव हैं, गन्ने की खेती होती है, है कुछ ना सामने कुछ है, देखो भाई बात पीकॉक है, वो पीकॉक उसके पीछे वो भाग जाता है, गन्ने की खेती है। बुलाओ ना फोन करो, तो फोन करो आ जा, मेरा जी नहीं लग रहा, चिट्ठी लिखो उसे इनविटेशन दो, मेल करो कबूतर को, आ जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर जंगल में आ जाओ, यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा नेचुरल फॉरेस्ट है, ये साल के पेड़ है, ये प्लांटेशन किया हुआ नहीं है, खुद से खुद से उगे, हाँ खुद से उगते हैं, साल जो है प्लांटेशन होता ही नहीं है कभी। दिख गया कहाँ था, क्या तुम आगे लोन से आ रही है, ये देख लेते हैं, ये भगा देते हैं, देख के गजब बेइज्जती है ये, वाव ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। क्या भाई कैसा लगा हिरन देख के, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल सलमान खान की याद आ गई, ये एक डियर, तुम्हें सलमान खान की बड़ी याद आ रही, क्या भाई क्या चक्कर है, सलमान खान का मैं भी कर रहा हूं। सो गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, उसके बारे में फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सामने जो आप लोग ये घास देख रहे हैं ना, इसके बारे में भी है। और कुछ दोनों हमने सुना है इसकी घास से इतर बनता है नीचे की जड़, हाँ सही, बिल्कुल सही सुना आपने, इसकी जड़ों से जो है इतर तैयार होता था, और यहाँ पे लगभग 100 से ज्यादा जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है, जितनी नॉलेज है हम बता। तो फिर तुम इन्हें जलाते हो या घर ले जाते हो? नहीं ये तो घर नहीं ले जाते उसको, ये डियर जो यहाँ पे डियर है वो ग्रास ही खाते हैं, बस उनके लिए तैयार की जाती है ये, इनके अंदर जा रहा है भाई। वाकई में सांस लेने में बहुत सुकून आ रहा है यहाँ पे भाई सच में, अपने उधर तो सांस लेने से पहली बार अजीब सी होती है, आदत पड़ जाती है, बहुत सुकूनदायक अंदर से फील आ रहा है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल पूरा है ना, यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन है ना, हाँ शुद्ध ऑक्सीजन है। अब और हम जी रहे हैं वहाँ पूरे पोल्यूशन में, जो तुमने अंजीर का पेड़ बताया ना, तो कैब भाई ने सोचा सच में लग रही, तो कह रहा अभी वो कह रहे ना अभी लग रही है उसके पास, अगर होती तो चढ़ जाते आगे, अभी तो गेम बचाना पड़ेगा। अब हम लोग जा रहे हैं भाई ऐसे ही थोड़ा था, कहाँ जा रहे हो तो पता नहीं, क्या भाई बताया तुम्हें, चौक पॉइंट है पता नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग भाई आ चुके हैं, क्या ब्यूटीफुल से प्लेस पे, मैं आप लोगों को दिखा दूं भाई, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम लोग ना गोवा में, वाकई में दिल गार्डन गार्डन हो गया नहीं यहाँ तो पानी हो गया पूरा, अरे तो तुम्हें यार नीचे क्या, अरे यार ना यार क्या यार क्या कर रहे हो, चलो भाई मतलब सेम ऐसी वाली आ रही है जैसे हम लोग अभी गोवा के बीच में आ चुके हैं। देखो भाई वाह क्या ब्यूटीफुल था ये, बाकी यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं, तो अगर तुम लोगों को बोटिंग करनी है तो बोट भी कर सकते हो, ये देखो भाई और इसके खिलाड़ी, ये एम्बुलेंस है भाई, ये बोट है, तो कौन सी करना चाहोगे क्या भाई तुम, अरे कोई सी सब बढ़िया है, और यार ये बढ़िया है इसे मैं चलाऊंगा, क्या भाई तुम पीछे हटो भाई, क्या भाई ने बताया करंट मार दिया भाई, तो ए
तेरी गलती है, डीसी है, डीसी है अबे डीसी है, ये लगना चाहिए अबे एक बार इसकी वजह से लग रहा है अरे इससे ये ही है ना इसमें होता है डीसी करंट समझ गए ना बिल्कुल आपको भी लेंगे मैं व्लॉग में आपको भी ले रहा हूँ चलो गाइस फिलहाल आज का एक्सपीरियंस स्टार्ट होता हुआ अभी क्या भाई के साथ एक बार का तुमने एक्सपीरियंस देखा था हथनी कुंड पे भाई ये देखो ऐसा सेम लग रहा है जैसे हम ना गोवा ब्रिज पे अभी ये चेक गोवा बीच बीच ब्रिज बोल रहा हूँ ये चेक करो भाई क्या कैमरा मैन है सादिक कबूतर वहाँ पे हमारे भाई खड़े हैं हाय कुछ तो सलाम करो यार मेरे भाई भाई थोड़ा हाथ अंदर कर फोन अंदर जा सकता है गहरी बहुत है यहाँ से हम नहीं निकाल सकते भाई ये देखो कैप भाई की ये देखो भाई कैप वाह क्या प्यारी सी कैप लग रही है नेपाल मतलब ये क्रॉस करते नेपाल है क्या उधर बॉर्डर है पूरा चलेंगे क्या उधर हाँ उधर ही लेके चलो गाड़ी तो आप लोगों ने सफारी का क्यों करा फिर यार तो मतलब उसमें कैसे जाते हैं तो जंगल जंगल घूमोगे खाली तो नेपाल में कैसे जाते हैं कार अपनी लेके चलते हैं मतलब रोड रोड घुमाते हैं सो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं भाई तुम्हें पता है क्या चीज़ देखने के लिए जिस चीज़ के लिए आप लोग एक्साइटेड हो तो हम लोग जा रहे हैं गाइस अब खतरनाक वाली जगह पे गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है उधर कैब भाई है और लो भाई अब आगे तुम जंगलात वाली लाइन में बनाओ हो गया भाई अब तुम जंगलात वाली लाइन में आगे कैब भाई नहीं नहीं भाई देखो पूरा सिस्टम है थोड़ा सा तेज बोलो एक तो तुम्हारा माइक अंदर की साइड लगा हुआ है मेरी आवाज़ पूरी आ रही हुई इसमें अच्छा फिर सही है ओहो ये तो हमने अभी इग्नोर कर दिया था ऊपर चढ़ के गए थे ये तो देख लिया था हमने नहीं तो आप ऊपर कहाँ गए थे हाँ नीचे से देखा था ना चलो उसका दो तो गाइस एक चीज बता दो आप लोगों को पहले ना सफारी जो है वो स्टार्ट हो रही है क्या बोलते हैं फॉरेस्ट सफारी है फॉरेस्ट सफारी रियल जंगल सफारी अभी स्टार्ट हो रही है तो गाइस अब बताया क्या भाई ने बताते हैं बहुत सारी चीजें इनकी भी रिकॉर्ड करना है बहुत सारी चीजें अंदर की वो तो हमने वहाँ से पीछे से कर रखा है तो कैब भाई ने ना भाई पहले ही बोल दिया जो इनका हमारे पास नंबर है ना वो फोन पे नंबर है तो मतलब अभी अब लोग अपलोड भी नहीं हुआ पहले इनकी 50-50 होगी हमारी अल्लाह से उम्मीद है ना 100 के पार जाएगी इंशाल्लाह जाएगी भाई कर दो भाई लाइक चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो बेल आइकन को प्रेस करके सिलेक्ट कर दो और यहाँ घूमने भी जरूर आए जो लोग और घूमने जो आए भाई जो लोकल भाई वैसे तो हमारे यहाँ से तो बहुत दूर पड़ता है 700 किलोमीटर और क्या भाई यहाँ से थोड़ा कम पड़ता है थोड़ा चूका से वापसी है जो मेन रोड है चूका की इसी से आते जाते हैं इसके अलावा दूसरी रोड नहीं है यहाँ पे ठीक है मेन रोड रहती है ये हमारी अब सेकेंड शिफ्ट की सफारी स्टार्ट हो रही है ठीक है ये सेकेंड शिफ्ट रहती है अपने यहाँ पर आपको दो फीमेल लगता है वो अपने साथ में बस और अगर हेल्दी है तो 3 फीट रख लेता है बच्चों को इसलिए मार देता है उसका मानना है कि मैं बच्चे बड़े होंगे वो जवान हो रहे हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो आने वाले टाइम में मेरे लिए नुकसान है मेरी टेरिटरी पे कब्जा कर लेंगे जो मुझको मार के भगा देंगे इसलिए वो उससे पहले बच्चों को मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा रहता है जैसे टाइगर्स जो है अभी जंगल को मैंने बताया छोड़ देगी तो ये बाहर लेके निकल जाती है तो ये क्या बोले टाइगर स्विमिंग करता है जी बहुत अच्छी स्विमिंग आती है इसको और 10-15 दिन में ये सीन देखने को मिल जाता है टूरिस्ट को कि टाइगर ने नदी क्रॉस की है अरे वाह ये तो हमारे वाली मतलब देख लो फिर ये 5 महीने बंद रहता है ये 15 जून से बंद हो जाता है फिर 15 नवंबर को इसकी ओपनिंग बारिश की वजह से बारिश में कच्चे होते हैं ये जो अपना एरिया है तराई एरिया है मतलब यहाँ पानी कुछ ज़्यादा होता है इस वजह से रोड खराब हो जाते हैं कच्चे होते हैं इसलिए बंद कर दिया जाता है और 40 किलोमीटर से एक दिन में खाता है या एक बार में 40 किलोमीटर एक बार में खाता है जी और 4 घंटे तक कुछ अगर वो मर भी जाए उसके बाद भी वो 4 घंटे तक खड़ा रहेगा अपने पैरों मतलब अपने पैरों पे जी मरने के बाद जो चीज़ हम देखना चाह रहे ना वो तो दिख नहीं रहे हैं दिखेगा आपको गूगल पे देख रहा था क्या लगता है कैब भाई अभी दिखेंगे अभी सबर करो थोड़ा वेट करो रुको जरा सबर करो वीडियो बने सफारी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेशेंस तो आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना पड़ता है मगरमच्छ मोर देखो ये देखो कितना प्यारा है अरे वाह ये देखो क्या मस्त यहां से पूरा मस्त व्यू आया इसका पूरा पास से बहुत तगड़ा व्यू आया भाई अभी कुछ बता रहे इसमें अब जो है इसमें काम चल रहा है भारत सरकार ये चेक करो पहले आप लोग चीजें अब यहाँ इसे पानी को दोबारा स्टार्ट कर लेंगे खूबसूरती के लिए ताकि टाइगर रिजर्व जो है ये और खूबसूरत लगे उसके लिए यहाँ काम चल रहा है आप देख सकते हैं भाई ये देखो 7 जाल है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब लास्ट वाली 7 वाली मुझे लगता है पूरी 7 यहाँ पूरी 7 जाल है तो चलो गाइस अभी हम लोग इधर चलते हैं भैया
चलो सीधा ऊपर ऊपर है। अरे इतने सारे लोग भैया तुम नीचे तो आ जाओ सबके सब, तुम तो ऊपर ही बैठ गया, कितने सारे हो गए नीचे तुम। चलो 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 भाई मैं आराम चलो चढ़ने का चलो देख ले चढ़ गया ना नहीं चढ़ नहीं जाने का देखो टाइगर तो टाइगर नहीं आ रहा। चलो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे भी घूम लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। देख रहे अभी से नहीं नहीं अच्छा तुम ये देख लो कोयला का शाहरुख खान का, अब तुम देख लो डिसाइड कर लो कौन सा शाहरुख खान। तुम ड्रेस चेंज ड्रेस के ऊपर असली वाला कौन सा। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम कुछ सुनो मैं कुछ हमारी ऑडियंस बता देगी भाई कोयला का शाहरुख खान किसको बोला वो कैब भाई को भी पता चल गया किसको बोला वो सादिक भाई को वो बोला सादिक भाई को वो तुमने पिछले ब्लॉग में देखा था भाई कमेंट मार। तो मैं सोचा शेर खड़ा है भयंकर ही, देखो ये खड़ी है ना एक बिना है भाई ये खड़ा है देख शेर, मैं सोचा हिरन ही खड़ी है सारी। तो गाइस आप लोगों को एक चीज बतानी थी, मतलब एक बात यहाँ पे ना जहाँ पे अभी हम लोग हैं तो यहाँ पे हम लोग हैं उत्तराखंड में और जो सामने सॉरी यूपी में और सामने जो उत्तराखंड है उसके बाद गाइस अब यहाँ गिर भी गया था यार मैं। इस साइड है गाइस नेपाल, तो यहाँ पे नेपाल पिपलेड़ा तो इस साइड ही है मेरे हिसाब से, इसी साइड होगा और सहारनपुर सहारनपुर इसी साइड से कटेगा। ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये डैम है, ये नेपाल कह रहा है वही जो था। हाँ, ये रुको भाई ये देखो भाई क्या तो होना ही होना है भाई आज का तो व्लॉग सबसे तगड़ा होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है आज का जो व्लॉग है ना भाई असली। तो हमने हमारे जो घूमने दर्द नहीं पीछे बैठे हैं सारे जाने को मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाँ वो पीछे दिखा दे भाई कौन है ये तो है बैठे पीछे बाकी कोयले का शाहरुख खान है कोयले का दिखाओ समझ जाओ कहाँ कह रहे हैं शाहरुख खान समझ जाओ तुम अपना भाई तुम ड्रेसअप देख लेना बस कोट क्या पहन लिया बात तो बताओ भाई तुम लोग ड्रेसअप देख के समझ जाना काले पीले का क्या सस्पेंस है वो तो तुम्हें बताएंगे वो रात को बताएंगे थोड़ा सा मेहमान का तुम्हारे साथ मेहमान लोग है ना तो उसमें थोड़ा सा लॉजिक है अरे थोड़ा सा लॉजिक है तुम्हारी फिर मैं बाद में मत बोलना मैं बता दूंगा भाई अगर एक बार तूने बोल देना बता दे मैं बता दूंगा बता दे एक बार बता दे तो मैं बता दूंगा अपनी बार लास्ट बार बोल दूंगा बता दे। चलो भाई सुबह से फिरते फिरते ना शाम होली भाई लेकिन हालत खराब होगी हमारी फिरते फिरते बेकार हालत हो गई अभी तक कोई टाइगर नहीं मिला है लेकिन अभी भी कोशिश जारी है अगर मिल जाता है तो ठीक है वरना तो फिर मोए मोए अभी नहीं भाई अगर मिल जाता है ठीक है नहीं तो फिर लास्ट में तुम्हें पता है एक चीज होने वाली है सरप्राइज वो भी आप लोगों के लिए। हिरन पाल रखे हैं ये देखो ये खड़ी है यही ये सामने खड़ी है देखो ये खड़ी है पीछे ना दो तीन शेर पाल रखे शायद इन्होंने ना क्या भाई यार दिख ही नहीं रहे सुबह से शाम हो गई है यहाँ पे शाम हो गई चेक करो देख मौसम चेक करो आप लोग कैसा हो गया नेपाल तो हाँ पास में सुगला फांटा सेट है ना ये नेपाल से शायद नेपाल जाएंगे ऐसा हो सकता है। ये चेक करो भाई ये तो दिख रही है यहाँ पे और कुछ ना दिख रहा जो हमें देखना है ये तो पूरा झुंड का झुंड ही है इधर। चलो चेक करो भाई एक चीज और कछुआ और भी कछुआ है देखो गाइस अरे वाह ब्लैक टर्टल काला काला तो देखो गर्दन अंदर घुसेड़ ली इसमें ना दिखोगे तुम ब्लॉग में भाई तेरे ब्लॉग में मतलब भाई दिखोगे तुम ब्लॉग में हमारे वैसे देखो ईगल बर्ड तो दिख रहा है आप लोग ये दिख रहा है चलो अरे यार बच्चे भी इसके साथ में तो एक दो तीन चार पाँच लोग हो गए चेक करो गाइस 12 किलो अभी दिख रहा है तुम्हें
थोड़ा सा करना भैया जा रही है 12 सीन इतने बड़े बड़े सीन है यार तो भाई ये चेक करो आप लोग शॉप कितना बड़ा अरे उतर के भी देख सकते हैं हम तो और ये देखो कितना मस्त है कितना बड़ा है भाई ये चेक करो भाई साहब देखने में अरे देखो कितना मस्त लग रहा है देख रहे इसका कलर भाई ये देखो कितना आकार देखो फिर क्या भाई देखना अरे इधर देखो फोन में यहाँ देखो कैसे ले आना थोड़ी है देख लेना ये चेक करो एक बार और वाह सो गाइस मगरमच्छ दिखाता हूँ आप लोगों को यहीं से थोड़ा सा पीछे और करना थोड़ा सा पीछे और करना भैया देखो क्या भाई यहाँ से दिखेगा दिख रहा ना ये देखो देखो मगरमच्छ तो फाइनली गाइज अब जो है हम सुबह से शाम हो गया लेकिन हम जिसके लिए आए थे वो मिला नहीं टाइगर पूरा घूम लिया काफी सारी चीजें हमने आपको व्लॉग में दिखाई भी कि हमने क्या क्या चीज देखी थी ये सब भाई हैं सादिक भाई ये बिलाल भाई हैं आप सभी जानते हो गए इन्हें तो इंशाल्लाह हम दोबारा कभी आएंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे तो आज हमारे साथ गाइस क्या हुआ पता आप लोगों को मोए 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 आज हमारे साथ यही सीन होगा पूरा दिन निकल गया लेकिन हमें टाइगर नहीं मिला भाई हम रात को निकले जंगल से बाहर लेकिन फिर भी कैब भाई ने तो पता नहीं हमारे साथ सारी तस्वीरें करवा दी चलो कोई नहीं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जरूर जब भी कभी जू में या किसी चीज में जाना होगा तो तब तक के लिए वीडियो में जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर कर ले और हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज्यादा से वीडियो को शेयर करें और अपना ख्याल रखें खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।